हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आप लोग के लिए जो है प्रश्न लाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करा करके तब जो है हम जो है बादामी गुफा के लेके बाद में चलेंगे। पहले हम इसको प्रश्न पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार था। क्या था? सर्वश्रेष्ठ जो है रोमांसवादी चित्रकार था। तो कौन चित्रकार था? तो आपको सबसे पहले क्या देखेंगे? रोमांसवादी। तो रोमांसवादी चित्रकार कौन है? देलाकरा है। कौन है? देलाकरा है। और ये देलाकरा जो है रोमांसवादी कलाकार है। कौन सा है? रोमांसवादी। यानी आप रोमांस में आप जैसे ही आपको ध्यान होना चाहिए रोमांस है क्या चीज। तो रोमांस में आपको जैसे आप कहीं जाते हैं तो रोमांस करते हैं ना, तो रोमांसवादी ही कलाकार जो है कौन है? और ये रोमांसवादी जो है कलाकार जो है सर्वश्रेष्ठ जो है या रोमांसवादी के जन्मदाता माना जाए या जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाए, ठीक, तो आप जो है देलाकरा को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? देलाकरा को लगाना है। फिर जो है दूसरा प्रश्न क्या आपका आया? आया दूसरा प्रश्न आ गया, यानी प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राइंग पॉइंट क्या जिसने यानी ये क्या कह रहा है? यानी सबसे पहले हमें इस प्रश्न में देखना क्या है, ये प्रथम भारतीय क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय कलाकार जिसने जो है क्या ड्राइंग पॉइंट एंची यानी एचिंग का प्रयोग किया, यानी मुकुल चंदे ने किया, नंदलाल बोस ने किया, शारदा चरण वकील ने किया, शैलेंद्र नाथ डे ने किया, ठीक है। तो ये सब जो जितने कलाकार थे, तो सबसे पहले हम नंदलाल बोस भी नहीं है, ठीक है, शारदा चरण वकील भी नहीं है, शैलेंद्र नाथ डे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बंगाल शैली के ही कलाकार, लेकिन जो है सबसे पहले जो है आपको यानी प्रश्न आया क्या है? प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राइंग पॉइंट एंचिंग का प्रयोग किया था, मुकुल चंद डे ने किया था, ठीक है। और जो है फिर अगला प्रश्न आपका आएगा, क्या आएगा आपका प्रश्न? फिर आ गया अजंता। क्या आ गया? ये अजंता जोगी मारा बाघ है। ये क्या है? बाघ गुफा है, याद किए रहिएगा, ये बाघ है। बाघ गुफा के भित्त चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो ये जो है आपको अजंता जोगीमारा बाघ है, यानी जिसमें यानी तीनों का तीनों गुफाओं में जो है चित्र बनाए हुए। ये अब आप देखिए नंदलाल बोस भी हैं, क्या है, नंदलाल बोस भी हैं, अब मुकुल चंद डे भी हैं और असित कुमार हल्दर भी हैं। तो ये आप कहेंगे सर तीनों जो है ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन कम से कम आपको ये ध्यान देना है अजंता जोगी मारा और बाघ, क्या ये बाघ आने तीनों गुफाओं की अनुकृतियां जो है किस विद्वान ने बनाया है वो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो क्लियर क्या है? असित कुमार हल्दर। कौन है ये? असित कुमार हल्दर है, ठीक। और ये कभी ना कि भूल जाइएगा कि हाँ सर जो है हम मुकुल चंद डे के मार दे या नंदलाल बोस को मार दे, क्योंकि जोगी मारा किसके साथ? ये जो है जोगी मारा क्षेमेंद्र के साथ बनाए थे चित्र, ठीक है। अजंता गुफा नंदलाल बोस के साथ बनाए थे और बाघ गुफा का भी नंदलाल बोस के साथ बनाए थे, ठीक। ये तीनों जो है यानी तीनों गुफाओं में ये चित्र बनाए थे, ठीक। तो आपको देखना है जोगी मारा में नंदलाल बोस नहीं थे, मुकुल चंदे जो है जोगी मारा में नहीं थे, क्योंकि असित कुमार हल्दर व क्षेमेंद्रनाथ गुप्त थे, इसलिए हम असित कुमार हल्दर को लगाएंगे, ठीक। आओ देखिए आपका जो है चौथा प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए प्रिय मित्रों, आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से और जो है जो प्रश्न बन रहे हैं आपको अच्छे से जो है सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है, प्रश्न वही रहते हैं केवल घुमा देता है। क्या? अब हमें आना है कटरा,
हमें कटना आना है और IRT फील्ड के पास जो है वो फाटक बंद हो गई। जब क्रॉसिंग बंद हो जाएगी तो हम घूम के आएंगे, जब घूम के आएंगे तो हम माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से इधर से छोटा बघाड़ा होते हुए जो है एलनगंज होते हुए तब हम पहुंचेंगे, कर्नलगंज होते हुए तब कटरा पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप हम देखेंगे, आप कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व, क्या कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वर्तमान, क्या वर्तमान, तो वर्तमान जो है महानिर्देशक कौन है, ठीक है। और इसमें देखिए, इनमें देखिए ये क्या थे, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, क्या है, भारतीय भारतीय पुरातत्व के जनक जनक माने जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। ये देखिए जॉन मार्शल क्या किए हैं, यानी ये जो जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, यानी ये जो है क्या, ये जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता यानी जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज का निर्देशन किया था, निर्देशन ये जो है निर्देशन किया था, अनेक इन्हीं के निर्देशन में दयाराम सहनी ने सन 1921 ईस्वी में खोज किया था। ये आप लोग को जानते रहिएगा। और देखिए ये दो लोग तो मिल गए, बी के थापर भी नहीं है, ये जो है ऑप्शन में यहाँ में ऑप्शन जो है गलत छप गया है। ये प्रश्न जो है आपका आएगा बी विद्यापति, बी विद्यापति बीन, ये वर्तमान में, क्या ये वर्तमान में आपके जो है बी विद्यापति बीन जो है क्या है, महा निर्देशक है। ये 12 मई 2020 ईस्वी को ये महानिर्देशक नियुक्त किए गए भारतीय पुरातत्व के, ठीक है। ये भारतीय पुरातत्व के जो है ये महानिर्देशक नियुक्त किए गए। और आप ये जानते रहिए, प्रश्न आता रहता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है, कनिंगम यानी अलेक्जेंडर कनिंगम को, जॉन मार्शल को, क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज का निर्देशन जो है यानी इन्हीं के निर्देशन में दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अब आ गया क्या, अजंता गुफा। आप लोग को सभी लोगों को ये पता होगा, क्या ये पता होगा कि अजंता के गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण, क्या उत्कीर्ण, ये देखिए उत्कीर्ण जो है, उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है, ये देखिए ये पॉइंट सबसे बढ़िया है, सर्वोत्कृष्ट कौन सा चित्र है, माता और शिशु है, महाहंस जातक है, महाकवि जातक है, बुद्ध जातक है, यानी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और ये क्या है सबसे यानी सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छे चित्र जो है गुफा 17 की यानी अजंता के गुफा संख्या 17 में कौन सी है, आप ध्यान दीजिए, माता और शिष्य। माता क्या, माता और शिष्य, ये गौतम बुद्ध जो है,
क्या गौतम बुद्ध जब जो है ज्ञान प्राप्त करके जब लौटे थे, उपदेश आने जो है प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था, अने सारनाथ में दिया था। कहाँ प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और एक चीज हम बता दे रहे हैं, अने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, अने गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको याद रहना चाहिए श्रावस्ती में दिए थे। तीसरा उपदेश कहाँ दिए थे, अने गौतम बुद्ध जो है तीसरा उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप लोग को कभी याद नहीं हुआ होगा। अने प्रथम उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा उपदेश कहाँ दिए, तीसरा उपदेश दिए थे अमरावती। कहाँ अमरावती, तो अमरावती आप लोग जान रहे हैं कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक। और जो है ये गौतम बुद्ध जो है जब भिक्षा लेने के लिए पहुँचे, तब वो जो है यशोधरा, कौन उनकी पत्नी यशोधरा ने अपने पुत्र को भिक्षा के रूप में दिया। वो जो चित्र है माता और शिष्य, क्या है माता और शिष्य जो है, गुफा संख्या 17 अजंता में सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आप लोग को पकड़ में आया, समझ में आ गया होगा। कभी आप लोग जो है कोई भी प्रश्न हो, आप लोग को सबसे बढ़िया जो है दिखाया जाएगा। जो प्रश्न आने की संभावनाएं हैं मैं वही लेकर के आऊंगा, जो आपको 125 में जैसे एक सेट सॉल्व कराते हैं, कम से कम आपको उसमें से 15-20 प्रश्न मिल जाए। क्या 15-20 प्रश्न मिल जाए। अभी आया यथार्थवाद, क्या आ गया यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आज इसका एक ट्रिक है, जैसे ही हम जानेंगे यानी यथार्थवाद, यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आप ध्यान दीजिए कहाँ हुआ था, फ्रांस। कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। यानी यथार्थवाद के पूछा जाएगा, ये आप यहाँ तो हम बता दिया यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप जो है पकड़ी। प्रश्न बहुत बढ़िया है। और यथार्थवाद के कलाकार हैं, तो यथार्थवाद के कलाकार कौन है, यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है, ये आप लोग को हमें एक देंगे ओनोर दोमी। कौन है, अनोर दोमी, अनोर दोमी है। तो अनोर दोमी जो थे, ये जो है यथार्थवाद की, यथार्थवाद के जनक या जन्मदाता, जन्मदाता माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। और फिर देखिए, और इससे जो यथार्थवाद का प्रमुख कलाकार कौन था, मान लीजिए पूछा जाए, ठीक। मतलब यथार्थवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, अनोर दोमी को माना जाता है। और इसी अन्य यथार्थवाद का प्रमुख कलाकार, क्या प्रमुख, प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार, कलाकार कौन है, कुर्बे हैं। कौन है, कुर्बे। तो कुर्बे याद किए रहिएगा, ये कुर्बे। तो आपको एक प्रश्न का मैंने आपको केवल यथार्थवाद के जन्म बताया, लेकिन यहाँ पर हमने दो कलाकार के नाम दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, ये हर बार आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रश्न में आता। मैं देख रहा हूँ, मैं देता हूँ कंपटीशन, और इसीलिए आप लोग के बीच में मैं बता रहा हूँ। और ये प्रश्न बार बार आता रहता है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो पेपर प्रश्न आए उसको विधवत पढ़िए, उसके अगल बगल जितने प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखेंगे, अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। नवशास्त्रतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है ना, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या ये इतना बढ़िया प्रश्न है, आपको आपको परीक्षा के दृष्टि से मैं आपको कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ आने की संभावना जो है बताएंगे। यानी आपको नवशास्त्रतावाद, अब पूछा जाएगा नवशास्त्रतावाद का जन्म कहाँ हुआ था,
ये भी आप मारिए गए फ्रांस से। आज इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार आप, ये जो है इसकी जन्मदाता कौन है ये भी आप जानते रहिएगा, डेविड। ठीक है, डेविड। पहले देखिए इसका जो है, इस सातवें प्रश्न का आंसर क्या है, रूसिया का प्राण। क्या रूसिया का प्राण का चित्र है ये जो है जाग डेविड, जाग डेविड या दाविद, दाविद। ठीक है, ये जो है ये नौ शास्त्रीयतावाद, यहाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न मिला, यानी इनका प्रथम चित्र है, यानी नौ जैसे नौ शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना गया है फुरसिया का प्राण, या जाग डेविड या दाविद का प्रथम चित्र कौन सा है, ये आपको फुरसिया का प्राण है। अब ये पूछा जाए नौ शास्त्रीयतावाद, क्या नौ शास्त्रीयवाद ठीक का जनक, का जनक माना जाता है किसको, डेविड। ठीक है, दाविद डेविड ये एक ही नाम है माना जाता है। ये आपका प्रश्न क्या हो गया सही, ए फुरसिया का प्राण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेके चलेंगे। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है, ये देखिए प्रश्न क्या बन रहा है, फिर ये आ गया आधुनिक कला, क्या आधुनिक कला। तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र, तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र क्या रहा है, फ्रांस रहा है। ठीक है, फ्रांस रहा है। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है, क्या मुख्य केंद्र। अब हम देखेंगे आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है। अब देखिए बेल्लारी है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इसमें कौन सी है। तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा, तो फ्रांस रहा। क्या रहा, फ्रांस रहा। फिर आगे चलिए देखेंगे लासो का अध्ययन, यानी लासो जहाँ कहानी, आपको ये प्रश्न आएगा लासो पर अध्ययन किस कलाकार ने कर दिया, यानी स्वच्छंदतावादी। तो स्वच्छंदतावादी कलाकार कौन है, तो आपको हम देखेंगे। तो यानी लासो पे जो है, लाशों पर अध्ययन, यानी घरों में अपने लाशें रख करके कौन जो है अध्ययन करता था स्वच्छंदतावादी, उस कलाकार का नाम क्या है। तो नौ के क्या हो गया, बी। क्या हो गया, बी। यानी लाशों का अध्ययन, यानी लाशों को घर में रख करके अध्ययन जो है किस कलाकार, स्वच्छंदतावादी कलाकार करता था, ये क्या है, जेरिको। अब ये पूछा जाए जेरिको, जेरिको जो है वादी, स्वच्छंदतावादी, क्या स्वच्छंदतावादी का जनक माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, आप जो है आगे चलेंगे, धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे, और फिर आगे कौन सा है प्रश्न, आपका दसवां प्रश्न आ रहा है। दसवां प्रश्न आया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न आया है, बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी, इसमें देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो आप लोग जो है देवानी कृष्ण भी नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है, रानी चंद्रा देखिए, अमृता शेरगिल, यानी आप लोग जो है इतने बढ़िया प्रश्न है, ये इनके, इन्होंने तो पेरिस में शिक्षा ग्रहण किया था, कहाँ पेरिस में शिक्षा ग्रहण किया। और ये महादेवी वर्मा आप जान ही रहे हैं, साहित्य साहित्य व कलाकार दोनों हैं। और ये कृष्ण देवानी जो है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश
ये जो है रानी चंद्रा जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। किसकी? यानी अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी रानी चंद्रा थी। कौन थी? रानी चंद्रा थी। और इसके बाद जो है प्रश्न 11, क्या प्रश्न 11, हमने अभी आपको पहले ही बक दिया था। क्या बक्का था? कि जो है कुर्बे किससे संबंधित है, तो हमने आपको यथार्थवाद जब पूछा था कि यथार्थवाद का जो है, ठीक, यथार्थवाद का, यथार्थवाद का जनक मैंने बताया था कौन है, ओनोर दोमी है, और यानी यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार कौन है, तो आपको कुर्बे बताए थे। तो यथार्थवाद आपका सही हो गया। क्या? यथार्थवाद आपका सही हो गया। और फिर इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 चलेंगे। इसमें जो है डिवाइस कॉमेडी किसकी रचना है, तो डिवाइस कॉमेडी किसकी रचना है, ये प्रश्न नंबर आपका चलेंगे क्या है, सी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका आंसर सही हो गया सी। ठीक है, सी है। अब फिर प्रश्न नंबर 13 में चलेंगे लेकर के, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो साहित्यिक पुरस्कार कौन से है, ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिए, मैन बुकर पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, इन पुरस्कारों में सबसे बड़ा जो है साहित्यिक पुरस्कार कौन है, ये है आपका क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और फिर अगला प्रश्न हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। और हम फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित, क्या, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका में चित्रों की खोज किसने किया, तो भीमबेटका हम आपको दिखाएंगे, भीमबेटका गुफा, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने किया था, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था, किस सन में किया था, 1958 ईस्वी में। ठीक है, 1958 ईस्वी में किया था। आप लोग जान रहे हैं कि एडर्सन जो है इसमें नहीं है, अजंता गुफा से संबंधित है, कनिंगम आप जान ही रहे हैं, भारतीय पुरातत्व के हैं, मनोरंजन घोष यहाँ नहीं है, वो सिंधु सभ्यता के हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा, प्रश्न पूरे ऑप्शन को पढ़िए फिर टिक करिए। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15, इनमें से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है, यानी आपको ये स्थल दिया है क्या, यानी इनमें से कौन सा यानी पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, हड़प्पा। आप देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कि प्रश्न क्या है, इनमें से कौन पाकिस्तान में है, स्थित है, ये जो है प्रश्न जो है थोड़ा क्रॉस कर दीजिए, गलत छपा हुआ, ये पूछा गया है, पूछा जाएगा प्रश्न, इनमें से कौन पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, क्योंकि कौन स्थित है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 15 के, क्या आ जाएगा, डी, यानी जो इनमें जो है इनमें से कौन पाकिस्तान में स्थित है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए, लोथल कहाँ है, गुजरात है, गुजरात, बनावली, राखीगढ़ी, ये आप लोग जान रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए। हड़प्पा आपका कहाँ है, सिंधु है कि ये जो है क्या, हड़प्पा हम चलेंगे, हड़प्पा में चलेंगे, इसको जो है ये हड़प्पा के यहाँ रावी,
रावी नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है फिर आगे चलेंगे हम, अभी आगे चल के ही बताया था, जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने सन 1921 ईस्वी में खोज किया था। ठीक, और आगे चल करके बौद्ध जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है, ये प्रश्न सही है। अब इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो स्थित नहीं है, ये प्रश्न देखना है। विजयगढ़ भी मिर्जापुर के क्षेत्र के अंदर आता है, मिर्जापुर भी आता है, लिखुनिया, ये तीनों जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और ये तीनों गुफाओं की हम बताएंगे, ये मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये मिर्जापुर के चित्रों की खोज किसने किया था, कब किया था? सन 1880 ईस्वी में, आर्ची बोल्ड कार्लाइल ने किया था, आर्ची बोल्ड कार्लाइल व काकबर्न ने किया था। ये आज से पूछा जाएगा, क्या सबसे पहले प्रागैतिहासिक स्थल भारत में किसी प्रागैतिहासिक यानी कहीं भी नहीं पहले खोज हुई थी? सबसे पहले आपका मिर्जापुर की खोज हुई थी, कितने यानी मिर्जापुर जो खोज हुई, यहाँ जो है किसके यानी काकबर्न ने बताया, एक शोध पत्र क्या बताया 1883 ईस्वी में, एक शोध पत्र क्या जारी किया, ये बताया कि मिर्जापुर के चित्र जो है कितने 5000 कितना 5000 ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व के चित्र मिले हैं, ये बताए। और इसके बाद जो है ये किसकी सहायक, इसकी सहायक पर्वत है विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत, ठीक है। आप ये एक चीज और जानिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो सुअर का आखेड़ का चित्र मिला है इसमें, और ये जो है जोगी मारा की बात आएगी, जोगी मारा छत वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक, किस स्थित है और किस पहाड़ी पे, रामगढ़ पहाड़ी। अमिताभ बच्चन वाला पिक्चर आप लोग देखे होंगे भाई, जितने पुराने हैं, नए स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो वो भी पिक्चर देख ले, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी रामगढ़ की पहाड़ी पर ये स्थित है। अब वर्तमान में आज जो है भूतकाल में आप जान ही रहे हैं, इसके पहले यानी कहाँ थे, मध्य प्रदेश थी। और इसको जो है क्या इसी यानी जोगी मारा गुफा को कब डंडोर 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर कहा गया, और रामायण काल में इसे क्या कहा गया, झारखंड कहा गया। आप लोग जानते रहिएगा जोगी मारा की सर्वप्रथम अनुकृतियाँ किसने बनाई, सन 1914 ईस्वी में आसित कुमार हल्दर व छमेर नाम ने गुप्त ने किया था। और जोगी मारा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, और आप लोग जानते रहिएगा नर्मदा नदी, क्या है, नर्मदा नदी है, हमने पढ़ा चुका हूँ।
अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर देखेंगे दक्षिण क्या, दक्षिण भारत में क्या, दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण युग के, उत्तर पाषाण युग के प्रमुख केंद्र का नाम है, ठीक है, तो प्रमुख नाम है तो क्या है, आप देखिए दक्षिण भारत हमने कहा कहा था, दक्षिण भारत में सबसे पहले ये जो है कहा, ब्रासफुट ने क्या, ब्रासफुट ने कब खोज किया था, 1863 ईस्वी में इसकी जो है ब्रासफुट ने यानी हथियारों को यानी पत्थर के औजारों की खोज किया था, ये आप लोग यही आंसर आपका सही होगा। तो उत्तर पाषाण यानी नव पाषाण युग यानी पालिस युग का, पालिस इसीलिए लिखा है उत्तर पाषाण, पालिस युक्त युक्त औजार 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 की मतलब मिले हैं बेल्लारी से मिले हैं, और ये पूछा जाएगा इसकी खोज किसने किया था, ब्रासफुट ने किया था, कौन किया था, ब्रासफुट, कब किया था, 1863 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न बार बार आता है, ये एक प्रश्न हम आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ पे ये जो है जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आपको बार बार ये रटाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग पढ़िए ये, क्योंकि सिंघनपुर हरिहरन कोहबर यानी दक्षिण भारत में ये सब में ये क्या है, प्रागैतिहासिक स्थल है, क्या है यानी ये प्रागैतिहासिक स्थल है, लेकिन औजार ये क्या है, बेल्लारी, बेल्लारी क्या है यानी नवपाषाण काल के स्थल है, और यहीं से ब्रासफुट ने जो है खोज किया था। ठीक, अगला प्रश्न लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, और ये सबसे पहले हम क्या, उत्तर पाषाण युग के नियोलिथिक क्या, नियोलिथिक नियोलिथिक ये प्रश्न, तो नियोलिथिक का काल था, तो नियोलिथिक उत्तर पाषाण यानी इसको एक और नाम जान लीजिए, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का समय आप लोग जान गए होंगे, नहीं पता होगा तो मैं यही तीनों का नाम लिख दे रहे हैं, यानी आपका पूरा पाषाण काल ये जो है 30,000 से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व है, और जो आपका क्या है मध्य पाषाण काल 25,000 से लेकर के कितना 10,000 ईसा पूर्व। फिर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा आ गया, ये उत्तर पाषाण काल यानी या नव पाषाण, उसी को क्या कहते हैं, नियोलिथिक काल। अब इसमें हम देखेंगे कौन है, ये आ रहा है, ये आपको हम दोनों लिख दिए यानी पूरा पाषाण ये हो गया, इसका मतलब ये प्रश्न आपका जो है कट गया, ठीक, और उत्तर पाषाण ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये उत्तर पाषाण युग का बात कर रहा है, तो ये कौन सा डेट है यानी 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ये आ गया आपका पूरा पाषाण में आ गया, 25,000 से 10,000 ये मध्य पाषाण आ गया, और ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व ये ऑप्शन में किताब में है ये नहीं है, जब आपका ये आपको दिया है क्या 10,000 से लेकर के, अब ये देखना है क्या 10,000 से लेकर के क्या 3,000 क्या 10,000 से लेकर के 3,000
ईसा पूर्व ये आपको मिला है ऑप्शन में। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व आपको मिल गया होगा, आप लोग का आंसर सही हो गया होगा। तो मैं ये ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, प्रश्न बहुत सही है ना। तो आप लोग कंफ्यूजन वाले प्रश्न को भी जो है टच करेंगे और मैं आपको एक एक प्रश्न का आंसर देते चलेंगे। और आप लोग ये देखिए क्या अब आपका प्रश्न आ गया, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। आहा कितना बढ़िया प्रश्न है, यानी आपका पूछा जाएगा इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक कौन है, के लेखक कौन है। तो आपको राय कृष्णदास ये भी नहीं है, आर ए अग्रवाल ये भी नहीं है, आनंद कुमार स्वामी ये भी नहीं है। ये देखिए डब्ल्यू जी आर्चर, जहाँ पहाड़ी की बात आएगी, जहाँ हिमालय की बात आएगी, तो ये हिमालय से पंजाब हरियाणा से संबंधित यानी ये सबसे ज़्यादा बुक लिखे हैं। क्या डब्ल्यू जी आर्चर जो है पहाड़ी हिमालय के दृश्य जो है ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं, और इन्होंने कौन डब्ल्यू जी आर्चर। फिर अगला प्रश्न चलेंगे, अगला प्रश्न चल रहे हैं 20। ये 20 क्या प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम, ये चित्रों की बात कर रहा है क्या कर रहा है। आप देखिए यहाँ नहीं कि अब क्या हो गया भाई गड़बड़ हो गया है ना, ये क्या कर रहा है सर्वप्रथम खोज यानी प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ। हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया था मिर्जापुर, क्या बता दे मिर्जापुर बता दिया था ठीक। अगला प्रश्न चलेंगे 21 में प्रश्न को लेकर के चल रहे हैं। फिर आप जो है मोहन जोदड़ो से प्राप्त मोहरे बनी हैं, ये मोहर की बात कर रहा है क्या, ये मोहर बनी है। तो देखिए मोहर की बात मैं कहा था क्या, मोहर की बात कर रहा हूँ। जब मोहर की बात करेंगे कि जो मोहन जोदड़ो में जो मोहर बनी है, सबसे ज़्यादा मोहर बनी है ये मिट्टी से बनी है, किससे बनी है मिट्टी से बनी है। और ये जो है धातु से क्या है मूर्ति है, धातु से क्या है मूर्ति है। जब भी प्रश्न आप देखिए क्या मूर्ति है, ये मूर्ति है, मूर्ति की बात जो है क्या कर रहा है मोहर कह रहा है भाई, ये मोहर कह रहा है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये भी क्या है मूर्ति बनी है, क्या बनी है मूर्ति बनी है, ये आप लोग जानते रहे। ये तीनों क्या है मूर्ति है। ये मोहर जो होती है आयात और निर्यात जब सामान आने को किया जाता है, वस्तुओं को किया जाता है, उसके लिए जो है मोहर लगाई जाती है, प्रधानाचार्य की जो मोहर लगती है वो भी रबड़ की बनती है ना, तो इसीलिए जब सामान पर मोहर लगाई जाती थी वो जो है किसकी बनी होती थी मिट्टी की बनी होती थी ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है। प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है, तो प्रागैतिहासिक चित्र की विशेषता क्या है। हमने कहा था क्या कहा था यानी प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है, आप लोग जान पकड़ लिए होंगे। ये देखिए प्रागैतिहासिक चित्र की विशेषता क्या है, रंग है कि रूप है, रेखा है कि पोत है ठीक है। ये रेखा है जो आकमन रख लिखा रहा रेख यानी रेखा हो गया। यानी प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता, जब विशेषता की बात करेगा तो आप क्या है आंसर मारेंगे सी ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है, रेखा है ठीक है। आगे प्रश्न चलेंगे फिर मैं प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है ठीक। यानी ये चित्रों की विषय वस्तु रही है,
आनी अब उस समय जो है आदिमानव क्या आदिमानव के अंदर जो है बर्बरता जीवन था, अपने उधर क्षुधा को मिटाने के लिए क्या करते थे, यानी भूख मिटाने के लिए क्या करते थे, पशुओं के क्या करते थे, आखेट करते थे। ये आप ध्यान दीजिए आखेट, ठीक है। यानी 23 का आंसर जो है आखेट होगा, क्या होगा, आखेट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर चल रहे हैं। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, क्या है? तो गुफा की बात कर रहा है, क्या गुफा की बात कर रहा है, तो गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, हमने आपको बताया था जोगी मारा। ये जोगी मारा, ये देखिए जोगी मारा थोड़ा गलत लिखा गया है, जोगी मारा, ठीक है, जोगी मारा गुफा। डॉक्टर ब्लॉक ने, हमने बताया था डॉक्टर ब्लॉक ने 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व बताया कि चित्र मिली है। बादामी आप जान रहे हैं कि सातवीं छठवीं छठवीं से नौवीं शताब्दी बनी। सिगिरिया आप लोग जान रहे हैं, सिगिरिया आप जान रहे हैं, सिगिरिया जो है आपका छठवीं शताब्दी है, छठवीं शताब्दी है। अजंता जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक 628 ईस्वी तक बनी रही। तो सबसे प्राचीन गुफा कौन है, जोगी मारा है, कौन है, जोगी मारा है। और आप लोग को हम बताएंगे बादामी गुफा की खोज किसने किया था, स्टेला कैमरिस ने किया था। सिगिरिया गुफा की खोज किसने किया था, मेजर फोमर्स ने किया था, कौन किया था, मेजर फोमर्स, फोमर्स ने किया था, ठीक है। और फिर आगे प्रश्न लेकर क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखें, ये क्वेश्चन नंबर 25 बसौली शैली में सबसे अधिक, ये क्या बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है, विशेषता है सौंदर्य की बात कर रहा है। तो सौंदर्य में आप देखेंगे क्या, मुखाकृति में, नेत्रों में, ओजपूर्ण शरीर में, घुंघराले केश में। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्या, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस में विशेषता है, तो किस में विशेषता है, वो ओजपूर्ण शरीर, क्या है, ओजपूर्ण शरीर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ, क्या है, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है, मंडी का रामायण, कांगड़ा का गीत गोविंद, बसौली का नागवती, ये गुलेर का व्यक्तिचित्र। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 का, यानी पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है, कांगड़ा का गीत गोविंद, कांगड़ा का गीत गोविंद, कांगड़ा का गीत गोविंद। और क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखेंगे चित्रों में स्वर कीट, ये क्या चित्रों में स्वर्ण कीट, चित्रों में स्वर्ण कीट का, स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किस शैली में किया, किस शैली में हुआ है। तो स्वर्ण कीट क्या है,
स्वर्ण कीट की बात कर रहा है, तो स्वर्ण कीट की बात कर रहा है। इस चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किस शैली में हुआ है? आपको ऑप्शन आ गया, यानी राइट आंसर हो गया बसौली। क्या हो गया? बसौली हो गई। और आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या, 28। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। आप लोग जो है मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार, यानी मधुबनी चित्रकला ये है कि प्रसिद्ध चित्रकार है, यानी चित्रकार है। तो ये आपसे मधुबनी कहाँ के है? ये मधुबनी जो है बिहार, मधुबनी बिहार की लोक कला है। तो ये मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार यानी चित्रकार कौन है? ये महासुंदरी, ये महासुंदरी है। क्या है? महासुंदरी है, ठीक। महासुंदरी देवी, वैजयंती माला, रानी चंपावती, सीता, इनमें जो है सबसे प्रसिद्ध कौन है? आपको महासुंदरी देवी। कौन है? महासुंदरी देवी मधुबनी चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम सब देखेंगे रामपुर राजा पुस्तकालय, ये रामपुर राजा पुस्तकालय स्थापित है आगरा में, रामपुर में, मथुरा में, वाराणसी में। तो ये आपसे पूछा जाए रामपुर राजा पुस्तकालय स्थापित है ये कहाँ है? सीधा आप आंसर मारेंगे रामपुर। कौन है? यानी आपका उत्तर हो गया रामपुर राजा पुस्तकालय स्थापित है रामपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 30, क्या क्वेश्चन नंबर 30 आपका गया, मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? यानी मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? तो कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आप लोग को सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आज मैं पहली बार ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा आप लोग को हो सकता है कि मैं बराबर ध्यान नहीं दे पाया हूँ, हम पढ़ाने में क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में लगे थे, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोग का कमेंट लाइक भी मिल रहा है, मुझे बहुत अब पढ़ाने के मन कह रहा है कि कितना मैं अच्छा से अच्छा आपको पढ़ा दूँ और कितना अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको लोगों को पहुँचा दें बीच में, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन से मेरा महत्व है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या? आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? तो आपका प्रश्न नंबर 30 है, इसमें क्या है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यानी इसमें जो भी प्रश्न है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें उत्तर है क्या, क्या उत्तर हम देखेंगे, उत्तर क्या है? आहा, जब रेशमा पाइएगा तो सीधा जाइएगा पाकिस्तान का रेशमा, ठीक है। जब रेशमा पाइएगा तो पाकिस्तान चले जाइएगा, क्योंकि वहीं के अनारकली थी, क्या थी? वही रेशम। आप जान ही रहे हैं कि अभी इस बार आया था नूरजहां ने अपने शादी में जो साड़ी बनवाई थी
उसको क्या कहा गया था, ठीक है, पुलकारी, यानी उसको जो जो कहा गया यानी उसका नाम दिया गया, वो उपहार में अपने हस्बैंड को उपहार में दी थी साड़ी, यानी अपने बनवाई थी शादी के उपलक्ष्य में, ठीक है। यानी यही एक जो है कौन, जहांगीर ने क्या कहा था, हे खुदा मेरे प्रेसी से एक बार मिला देते, क्या मेरे प्रेसी से एक बार मिला देते तो खुदा के दिन आपको 100-100 बार धन्यवाद देता, ठीक है। तो ये रेशमा, रेशमा बहुत सुंदर होते हैं भाई, और आप लोग वहाँ के आप लोग जान ही रहे हैं कल्चर, ठीक है। पाकिस्तान, यानी इसका आंसर जो है आपका ये सही हो गया। यानी मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपको जो है पाकिस्तान, कहाँ की रहने वाली हैं, पाकिस्तान, ठीक। और मैं अगला क्लास जो है कल लेके आऊँगा आपको, क्या है, धन्यवाद।